मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारने का पुलिस को इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आईजी पंजाब से इस्तफसार। जेआईटी सरबराह 4 फरवरी को तलब, मामला 2 रुकनी बेंच के सुपुर्द कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम पुलिस मुकाबलों की तफसीलात भी मांग ली। मिनी बजट में स्टॉक मार्केट के लिए सहूलत की तजवीज का असर। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,590 की सतह अबूर कर गया। ताजरों सनतकारों ने मिनी बजट को खुशाइंद करार दिया। सांगढ़ में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली हैदर मरी की सानिया साहिवाल की मजम्मत। अली हैदर का टू डी न्यूज से बात करते हुए कहना था कि हम सानिया साहिवाल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मासूम शहरियों की जाने लेने वाले अहलकारों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं ताकि आइंदा ऐसे वाकयात रोनमा ना हो सके। एक इज्जतदार लोग से उनकी वाबस्ताई थी, वो सानिया साहिवाल में जो सानिया हुआ है इसका देखो अफसोस करने से उनका वालदा या उसका वालिद वापस नहीं होता है। ये इतना बड़ा जुल्म, ये अभी वफाक में इमरान खान साहब पाकिस्तान का वजीर आजम बोलते हैं कि बड़े दावा करता है इमरान खान साहब कि मैं नया पाकिस्तान बना रहा हूँ। अभी नया पाकिस्तान ये बन रहा है कि पंजाब में पुलिस जो है एक शरीफ शरीयों को मार रहा है, ये नया पाकिस्तान है इमरान खान का। और पीपल्स पार्टी में तनकीद करने के बजाय उनके पास और कुछ भी नहीं है। इमरान खान के दिन बाकी बचे हैं, इंशाल्लाह वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अच्छा, ये जो मिनी बजट पेश किया गया है कल नेशनल असेंबली में, इसमें गरीब आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उससे पूछें जो नया पाकिस्तान की बात कर रहा है। चिश्तिया में एक माह कबल अगवा होने वाले नौजवान अमीर हमजा का ड्रॉप सीन। महबूब कॉलोनी का रिहायशी अमीर हमजा एक माह के बाद सादकाबाद होटल से बरामद। पुलिस के मुताबिक नौजवान घर से फरार होकर सादकाबाद होटल में ठहरा हुआ था। अमीर हमजा को शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए ट्रेस किया गया। डीएसपी के वान करीम अब्बासी ने टीम की कामयाबी पर इनकी हौसला अफजाई के लिए नकद कैश इनाम दिया और फूलों के हार भी पहनाए। रहीम यार खां में थाना इकबालाबाद पुलिस का गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ क्रैक डाउन। 4 गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों पर कार्रवाई करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। अटक में फतेहजंग पुलिस का जुए की महफिल पर छापा, 7 कुमारबाज गिरफ्तार, 6 फरार। दाव पर लगी रकम और मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। पाकपतन में 45 साल शख्स की बिजली के पोल पर चढ़कर खुदकशी की कोशिश। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने मस्कूरा शख्स को जख्मी हालत में नीचे उतार लिया। जख्मी नियाज अहमद नवाही गांव 48 ईबी का रिहायशी और 2 बच्चों का बाप है। नियाज अहमद ने गुर्बत और बेरोजगारी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी की कोशिश की। रेस्क्यू ने जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.todaynewshd.tv। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।